मेरे भाइयों,
2002 तो मैं अपना सियासी करियर शुरू किया फील्ड च। अल्लाह ताला ना फजलो करम है के हर दफा जड़ा है अल्लाह ताला कामयाबी इनायत की थी। और इंशाल्लाह पंजवी बार मैं शहर खुशाब नाल मिलके एक कामयाबी शहर खुशाब की होवेगी, मैडी होवेगी, पाकिस्तान नहीं होवेगी, असाडे जिले नहीं होएगी, असाडे हलके नहीं होएगी इंशाल्लाह ताला। मैं पाकिस्तान नी वर्कर हूं, एक जिदो जहद कर रही हूं के पूरे पाकिस्तान के अंदर माहौल तब्दील होवे, तरक्की होवे, असाडी फॉरेन पॉलिसी बेहतर होवे, ताकि जेड़े खिते चे असी जाने हैं ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ पाकिस्तान जड़ी है उसनी हिफाजत बेहतर हो सके। असाडे तालुकात असाडे बाकी मुसलमान मुल्क नाल बेहतर होवन। मेरे भाइयों पाकिस्तान ने हर एमएनए ते एमपीए को लो एक मंशूर होना चाहिए। तो तुसी मेरे को ये दसो के जेरे त्राए बंदे मैडे बंदे मुकाबले इस वेले खलोते हैं ए वक्त कौन है पता नहीं। एक चार बारी हार चुके हैं, बात इतने आना शाना कोई नहीं, उसको कोई पता नहीं, कोई पाकिस्तान इच नहीं जाना, सिर्फ यही जाना है। अच्छा अच्छा ये ओ है जरा सुमेरा बीबी को लो हेर वेंदा ये ओ है बीबी तेरा जान सो ओ बीबी तेरा जान सो सुमेरा मने हमेशा अपनी सियासत साफ शफाफ कीती है। उसने विचे कोई धोखा उसने विचे कोई चलाकी नहीं हुई क्योंकि मैं को एतमाद है अपने वोटर ते सपोर्टर ना, मैं को एतमाद है अपने गरीब वोटर ना कि चाहे कोई कितना भी चलाक आवे कोई कितनी भी चमक दमक मेरे वोटर या सपोर्टर को विखावे मेरा वोटर उठे ही उठे रासी। मेरे भाइयों असा असूल नहीं सियासत करने पाया ते पाकिस्तान जै मुल्क विच इज अ डेवलपिंग को शऊर होवे जिना को जिना ना मैंडेट होवे कोई जिना ना मंशूर होवे। बेशक जेले NA69 हा मेरे कोल ते जो खुशाब शहर मेरे कोल नहीं आया हा उस वेले भी मैं को जेले हल्का मिला अंधेरियां च डुबा होया ते हुण अगर तुसा पदराड़ तो तले आओ उस पहाड़ ते वादी सून ने ते लगदा है कि असा मरी तो तले लाने पाया। एक एक ढोक ते बिजली लगी पई मैं को इस गल ना एहसास है कि असाडे कायदीन जड़े हैं उना को इंशाल्लाह इना अगले 5 साल च जिला खुशाब च बहुत ज्यादा होर फंड देने पहुंचे क्योंकि ऐसा मयूर लोग ऐसा सच्चे लोग ऐसा ओ लोग जेरे नेशनल लेवल ऑफ पॉलिटिक्स ते इन्फ्लुएंस कर सकते हैं ऐसा उसे तब्दीलियां ला सकते हैं। हमारा ओपिनियन जो है हमारा ओपिनियन वो मैटर करता है। हमारी सोच नेशनल लेवल ऑफ पॉलिटिक्स को मुतासर करती है। मेरे भाइयों असा ए जाली अंदर चुनना तामीर और तरक्की ने कम मलिक आसिफ वापस कराए माशाल्लाह। और आज पूरे जिले ने विचे हिक्का पैनल है जरा सच्चा पैनल है एक दूजे दे नाल वफादारी करके खलोता है अपने वोटर सपोर्टर को आखना पे है
के उत्ते भी शेर की मोर ते लाना ने ठप्पा त्या से भाग को भी शेर की मोर ते लाना ने ठप्पा बाकी बाकी तुसा देखो के ना दी के हालत है के ना ने के असूल है जे असा था के ना को असा पर्ची पावा के असूल है कोई बाल्टी के दिशा से कर होता है हां ए मजन पता नहीं कौन है भाई ओ भाई इस खानदान में कोई इजारादारी असा कायम करनी है जे तू चाचा इथे खलोरा तो मामा उथे खलोरा तो बदरिया का और चाचा खलोरा तो के कोई ए असा जी सियासत का बयान तो को के लगना है के असाडे लोग जड़े हैं उन्हें जो कोई सूझ बूझ नहीं असाडे लोग बहुत समझदार हैं गयूर हैं तो ना को पता है कि तू बाल्टी ते क्यों खलोता है लेकिन तेरे सारे जेरे अजायम हैं वो बाल्टी के बीच बांध लगे ते डबो के छोड़े क्योंकि खाली तू नहीं हरना पिया एने 93 थे मिस्टर शाकिर जड़ा वो 94 ते हर चुका हुआ इस वास्ते मेरे भाइयों इस किस्म की गद्दारी जड़ी है वो वोटर को पसंद नहीं आनी जरा एक लीडर होवे तो साफ शफाफ सीधी गल करे ना पे होवे अपने वोटर नाल तो उसको एतमाद से गिना पे होवे उसने नाल जरे इस किस्म ने धोखे बाकी लीडरान करे ने कैसा है तो निकल वसा उठो निकल वसा और वोटर उन को कि थाई को नहीं निकलने गल है कि नहीं पार्टी तो आड़ी लीक है ओ पार्टी तो आड़ी लीक है ओ पार्टी तो आड़ी लीक है ए पार्टी केड़ी कंगाली ए पार्टी केड़ी कंगाली ए पार्टी केड़ी कंगाली तो उमर असलम ने क्या कहने उसको मैं की के उसने गल्ला दसा चार दफा हारा होया मैं अगर कैरम बोर्ड नहीं गेम नहीं खेलनी पे होवा तो मुसलसल चार दफा हारा तो मेरे ख्याल में आसा मैं कुछ और कोई और गेम छ खेडा लेकिन इसको कोई समझ कोई नहीं इसको कोई समझ कोई नहीं ए वक्त कै और नहीं वसाखियां नाप के था आवे ना माशाल्लाह सुमेरा मलिक आसिफ भा अपने बाजू की ताकत ते अपने गरीब वोटर ने सरमा के इलेक्शन लड़ने मेरे भाइयों आप लोगों ने आसिफ भा साहब के साथ एक लंबा अरसा गुजारा है आपकी उनके साथ दोस्ती है आपने उनको पहचाना है आप मेरे हल्के के नई बेल्ट हैं नया शहर हैं लेकिन मेरे लिए नए नहीं हैं मेरे लिए अजनबी नहीं हैं मुझे खुशाब शहर से हमेशा मोहब्बत और प्यार रहा है मुझे अपनी बहनों से भाइयों से बुजुर्गों से मेरा एक एहतराम का रिश्ता रहा है जलसों के अंदर फंक्शंस के अंदर और जहां भी पूरे पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर मुल्कों में जो हमारे भाई रहते हैं काम करते हैं जब भी मैं गई बेहद पज़ीराई मुझे मिली और मैं अल्लाह ताला का शुक्र करती हूं कि इंशाल्लाह ताला 25 जुलाई के बाद मैं भी एक बहुत बड़ा हिस्सा तामीर और तरक्की का इंशाल्लाह ताला आपकी दहलीज पर लेके आऊंगी आपके लिए आई 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 मेरे भाइयों बहुत देर हो गई है मुझे पता है आप लोग अब थक भी गए होंगे नहीं
मेरी बहनें जो मेरी आवाज सुन रही हैं, मैं आपको सलाम पेश करती हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला आप सबके घरों में खुद आऊंगी और आप सब से इंशाल्लाह मुलाकात करूंगी। मुझे शौक है कि मैं शहर की हर गली में और हर घर में हर बहन के पास खुद जाऊं, उसे बताऊं कि मुझ पे एतमाद करना, इंशाल्लाह ताला मैं तुम्हारे एतमाद को कभी नहीं तोड़ूंगी। मेरे भाइयों, जो एक और कैंडिडेट है अली सावल, ओ जीप दे, जीप दे कौन? अच्छा, उसको ये नहीं पता कि ओ जान नशीन है या उमर असलम जान नशीन है। अजय तेना को ए नहीं पता ते असाड़ी लोगों से ना के मंशूर हो सी के एजेंडा हो सी ए असाड़ी के मदद करे सन ना, उसको उसको पता है कि ओ कहना जान नशीन है ना उमर असलम को पता है कदाई ना पता लग सी क्यों कहना जान नशीन है। लेकिन मुझे पता है कि मैं और मेरे अवाम एक दूसरे के जान नशीन है और हम एक दूसरे के साथ अपने वक्त गुजारना है, हमारी कमिटमेंट एक दूसरे के साथ है मेरे भाइयों। और मुझे यकीन दिलाओ कि इंशाल्लाह ताला तुम सुमेरा मलिक को 25 जुलाई को जिताओगे कि नहीं। इंशाल्लाह मैं तुम्हारी ऐसी एमएनए होंगी जो साबित कदम और सच्ची होंगी और आपकी खिदमत करने के लिए आपकी दहलीज पे आपके सारे जो वसाइल नहीं आज तक पहुंचे उनको पहुंचाने के लिए इंशाल्लाह हर दरवाजा खटकाऊंगी, असेंबली के अंदर गर्जूंगी, बरसूंगी और लाहौर जैसे फंड लाने की कोशिश करूंगी इंशाल्लाह, ताकि हम एक वाज़ह और एक खूबसूरत तब्दीली यहाँ देखें, अपने शहरों को उस तरह अपने शहरों में रौनक देखें जैसे बड़े बड़े शहरों में या इधर सरगोधे में या इधर आगे पीछे डेवलपमेंट हुई है। इंशाल्लाह खुशाब एक छोटा सा जिला है, इसको हम हर जिले का ताज बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। मेरे भाइयों, मेरे भाइयों, हमने कोई गलती नहीं करनी। बाल्टियां और बल्ले और पता नहीं जीपन शीप है, मेरी गहरी नजर है, मेरी गहरी नजर है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स पे। मुझे इस वक्त मालूम है कि अगली गवर्नमेंट का क्या शेप होगा और किस तरीके से वो आएगी। इंशाल्लाह उसमें हम भरपूर फंड आपके लिए ले सकेंगे। हमने हर इदारे को मजबूत करना है, हमने किसी इदारे के साथ क्लैश नहीं करना, क्योंकि पाकिस्तान को और पाकिस्तान की मईशत को एक ताकत चाहिए। इंशाल्लाह हम सब मिलके ये ताकत देंगे पाकिस्तान को जो बहुत कुर्बानियों के बाद बना है, जिधर बुजुर्गों ने इतनी कुर्बानियां दी आपकी और मेरे, और तब हमें आज एक फ्री मुल्क मिला है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह इन जलसों के रेलों में और कॉर्नर मीटिंग जो बहुत बड़ी बड़ी रैलियां बन जाती हैं, हम फिर मिलते रहेंगे और एक दूसरे से बातें करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।